I don't think so. सो वेल गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या थॉर का हैमर म्योनियर वल्वरीन के क्लॉज जो कि एडामेंटियम से बने हैं उसे ब्रेक कर पाएगा। उरू मेटल जिससे एस गार्डियंस के लिए फाइनेस्ट वेपन बनाए जाते हैं और एडामेंटियम जिससे वल्वरीन के क्लॉज बने हैं। जहां मार्वल में उरू मेटल वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल में से एक है, वहीं एक्समैन में एडामेंटियम बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो मैं ऐसे ही एक माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन को अपनी पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद वो वीडियो भी देख लेना। तो मिस्टर फ्लेम से मैं हूं अनुभव, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। उरू मेटल। अब उरू मेटल से काफी पावरफुल वेपन्स बनाए जा चुके हैं लाइक म्योनियर, स्टॉर्म ब्रेकर, गंगनीर। अब गंगनीर एक ऐसा वेपन है जो कि नौ रियम्स को यूनाइट करने की काबिलियत रखती है। अब ये बात मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि उरू मेटल मैजिकल प्रॉपर्टीज तो शो करता है बट इसी के साथ मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी शो करता है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी तक हेला ही एक ऐसी कैरेक्टर है जिसने म्यूनियर को तोड़ा है। फैक्ट, यहाँ पर हेला ने सिर्फ म्यूनियर को तोड़ा नहीं था बल्कि उसको होल्ड किया हुआ था, जिसकी वजह से थॉर जब म्यूनियर को वापस बुला रहा था तो म्यूनियर वापस भी नहीं आ रहा था। और ये बात कंफर्म हो जाती है म्यूनियर के स्ट्रैप को देखकर। बट कॉमिक्स में म्यूनियर की इज्जत थोड़ी कम है क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने म्यूनियर को तोड़ा है लाइक डिस्ट्रॉयर, एग्जिटार, बॉर और पेरिकोस। लेकिन अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप म्यूनियर को कुछ समझो ही ना, क्योंकि आज भी ये मार्वल के मोस्ट पावरफुल आइटम्स में से एक है। चल झूठा। एडामेंटियम। अब एडामेंटियम जो कि डेंस और इंडेस्ट्रक्टिबल है और इसका फर्स्ट अपीयरेंस हमें एवेंजर्स के इशू 66 में देखने को मिला जो कि रिलीज हुई थी जुलाई 1969 में। हालांकि ये मेटल मैन मेड स्टील अलॉय है जो कि खुद से नेचर में आकर नहीं होता। अब ये एडामेंटियम मेटल इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि इसका कुछ सफिशियंट अमाउंट ही आपको मल्टीपल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और मोस्ट पावरफुल सुपर ह्यूमन से बचा सकता है विद नो डैमेज। अब अगर एडामेंटियम से किसी ब्लेड को बनाया जाता है तो वो किसी भी सब्सटेंस को कट कर सकती है। जहाँ पर एक एक्सेप्शन है वो है कैप्टन अमेरिका की शील्ड जो कि वाइब्रेनियम से बनी है। क्यों? अब ये चीज मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। अब एडामेंटियम किसी मंगल बाजार में तो मिलेगा नहीं, तो इसका एक स्मॉल अमाउंट तैयार करने में ही बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है और पूरे यूनिवर्स में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि इसका कंप्लीट फॉर्मूला जानते हैं। एडामेंटियम को 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मेल्ट किया जा सकता है और आप फिर इसको कोई भी शेप दे दो। लेकिन कॉमिक्स में कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जो कि एडामेंटियम से भी ज्यादा हार्डर हैं। एडामेंटियम के बहुत सारे फॉर्म्स हैं और ऑलमोस्ट एवरी फॉर्म इंडेस्ट्रक्टिबल है। एक बार थॉर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर म्यूनियर को एडामेंटियम से बनी एक सिलेंडर पर मारा था। एज अ रिजल्ट उस पर सिर्फ एक डेंट आया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडामेंटियम के बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं लाइक प्रोटो एडामेंटियम, ट्रू एडामेंटियम, सेकेंडरी एडामेंटियम, एडामेंटियम बीटा, एडामेंटियम अर्थ 1610, एडामेंटियम अर्थ 691, एडम एंड स्टील अर्थ 9047, एडामेंटियम अर्थ 1005। इसी के साथ एडामेंटियम के 13 एलोट्रॉप्स हैं जो कि अनस्टेबल हैं और शॉर्ट लिव्ड हैं। तो प्लीज आर्ट्स और कॉमर्स वाली वीडियो को डिसलाइक मत करना। तो एडामेंटियम से बनी हुई चीजें काफी ज्यादा घातक होती हैं लाइक वल्वरीन क्लॉज, अल्टीमेट कैप शील्ड, डेकेंस, मोडॉक, बैटल स्टार और ऐसे ही और भी बहुत। लेकिन कॉमिक्स में ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो कि एडामेंटियम से बनी हुई चीजों को तोड़ चुके हैं, जिसमें शामिल है ड्रैगनाइट, ग्लैडिएटर, किंग थॉर। वेट, एक्सप्लेन करता हूँ। किंग थॉर के पास बेसिकली ओडिन जैसी पावर्स हैं, जिसने वल्वरीन के एडामेंटियम स्केलेटन को ओडिन फोर्स ब्लास्ट से मेल्ट कर दिया था। और अल्टीमेट हल्क, क्या इसको भी एक्सप्लेन करूँ? चलो करते हैं। अच्छा, तो एक बार निक फ्यूरी ने वल्वरीन को भेजा था हल्क को मारने के लिए जो कि हिमालयाज में था, लेकिन हल्क ने वल्वरीन को दो हिस्सों में बांट दिया। शर्म आना चाहिए, थोड़ा तो इज्जत करा। दो और हैं, द सर्पेंट और नल्ला। नल। अब कॉमिक्स में अल्ट्रॉन का एक अल्टीमेट फॉर्म है जो कि एडामेंटियम से बना है। थॉर ने अपना म्यूनियर उस पर मारा था बट उस पर सिर्फ डेंट पड़ा। अब ये कहा जाता है कि सही सर्कमस्टेंसेस पर और कॉन्स्टेंटली हिट करने से एडामेंटियम टूट सकता है। ये मैंने बताया इन केस ऑफ म्यूनियर।
बट ऐसा कुछ है नहीं, ये बोला जाता है। तो वीडियो में यहाँ तक मैं आपको एडामेंटियम और उरु की वो सारी बातें बता चुका हूँ जो कि आपको जानना जरूरी थी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन कंक्लूजन पॉइंट्स। सो विदाउट ओडिन फोर्स जो कि किंग थॉर के पास है और उसने यूज भी किया था, और विदाउट फंडामेंटल रियलिटी अल्टरनेशन के वल्वरीन के एडामेंटियम क्लॉज म्यूनियर के अटैक से कम्प्लीटली रेसिस्ट है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि एडामेंटियम बहुत सारे फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, और वल्वरीन के क्लॉज बने हैं एडामेंटियम ए, या फिर आप इसको प्योर एडामेंटियम भी कह सकते हो, जो कि किसी भी फोर्स से कम्प्लीटली ड्यूरेबल है। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है जो है मैग्नेटो। अब थॉर के इशू 3 में जहां म्यूनियर को जेन फोस्टर ने वील्ड किया था एज माइटी थॉर, तो वहां पर म्यूनियर वॉल्ट्स में अटक गया था जहां पर वाइब्रेनियम का कोर विद एडामेंटियम से प्लेटिंग की गई थी, लेकिन म्यूनियर उसको तोड़ नहीं पाया, ना ही डेंट दे पाया। लेटर थॉर ने खुद अपने बेयर हैंड से उसको निकाला था। अब चौंका देने वाली बात यह है कि वो सेकेंडरी एडामेंटियम था, और सेकेंडरी एडामेंटियम प्राइमरी एडामेंटियम से काफी कम ड्यूरेबल होते हैं, तो और अगर प्राइमरी एडामेंटियम वहां होता तो क्या होता। अब वहीं एवेंजर्स के वॉल्यूम 3 के इशू 63 में थॉर ने कैप्टन अमेरिका की शील्ड को म्यूनियर से डेंट मारा था, हालांकि उस टाइम उसके पास ओडिन फोर्स भी थी, और आगे इसी म्यूनियर की कुछ हिट्स ने कैप की शील्ड को शैटर कर दिया, जबकि उस टाइम कैप्टन अमेरिका की शील्ड वल्वरीन बोन के एडामेंटियम के स्ट्रॉन्गर वर्जन से बनी थी। तो सारे तथ्यों और जानकारी को मद्देनजर रखते हुए मैं ये आंसर देता हूँ कि थॉर का म्यूनियर वल्वरीन के एडामेंटियम क्लॉज को नहीं तोड़ पाएगा। रीजंस आर क्लियर एंड नो ऑफेंस। तो आपका ओपिनियन क्या है इससे रिलेटेड, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हमने अपनी इस वीडियो में सारे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड किया था, लेकिन फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सब चीजों से अपडेटेड रहने के लिए और बहुत सारे मीम्स देखने के लिए हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पे फॉलो करना ना भूलें। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ये बात पता चल सके। इट्स मिस्टर फ्लेम साइनिंग ऑफ। म्यूजिक